तो और गाइस कैसे हो चल रहा बैक में फिर से खेल रहा है यूरोप ट्रक सिमुलेटर। आज तुम्हारा भाई यूरोप ट्रक सिमुलेटर के अंदर वोल्वो का ट्रक लेके आया। वोल्वो ट्रक ये है कि मतलब बस ये समझ लगता प्यारा ट्रक है इसकी भाई, लुक्स एक नंबर है, 700 हॉर्स पावर का ट्रक है। और आज हमको जाना है 959 किलोमीटर दूर, यानी कि तकरीबन 969 किलोमीटर दूर, 959 किलोमीटर, हाँ 959 किलोमीटर, हिंदी थोड़ी वीक है माफ करना। और 12-13 घंटे की सफर है, 13 घंटे 29 मिनट का सफर है जो कि अपने को तय करना है। हजाम लेंस चालू कर रखे, पहले इसको बंद करते हैं और यहाँ से निकलते हैं फटाफट से। आप तुम्हारे भाई का पहले ही बहुत ज्यादा दिमाग खराब है क्योंकि तुम्हारे भाई का $1.5 लाख का नुकसान हो चुका है। मैं आपको समझा दूँ कैसे। पहले तो क्या हुआ कि मैंने $210,000 का वॉल्वो का ट्रक खरीदा, $210,000 का। उसके अंदर मेरे पास $110,000 खुद के थे, एक लाख रुपया मैंने लोन लिया था बैंक से। अब बैंक से मैंने जो ₹1 लाख का लोन लिया था वो तो ठीक है, वो मैं धीरे धीरे चुका आ रहा था। अब उसके अंदर क्या हुआ, वो वॉल्वो का ट्रक का एक्सीडेंट हो गया बहुत ही खतरनाक। उसको बनवाने में तकरीबन मेरे 70-80 हज़ार रुपये लग रहे थे, तो मेरे को अब आखिरी में उसको बनवा के बेचना पड़ गया। क्योंकि अगर मैं उसको बिना मतलब जैसे ट्रक डैमेज था तब मैं उसको बेच रहा था तो उसकी वैल्यू 50,000 रुपये आ रही थी। 2 लाख 10,000 वाले ट्रक की वैल्यू 50,000 आ रही थी, तो आप सोच सकते हो कितना मतलब कम वैल्यू दे रहा था मुझे वो। और मैं इसको जैसे मैंने इसको बनवा के बेचा तो मुझे ₹1.5 लाख मिल गया उस ट्रक के। तो मतलब यहाँ से मेरा 8-9 हज़ार का फायदा हो गया, पर ₹1 लाख का जो मैंने बैंक से लोन लिया था वो मेरे पास कर्जा चढ़ चुका है। और जब मैंने ट्रक को बेचा तो मेरे पास 58,000 रुपये पड़े और 50,000 रुपये का बैंक का कर्जा है, तो 50,000 रुपये का बैंक का कर्जा मुझे देना पड़ेगा। बाकी ये वॉल्वो का ट्रक मेरा खुद का नहीं है, कंपनी का है, जिस कंपनी ने मुझे दिया है कि बोला भैया तुम चलाओ अभी ट्रक को और ट्रेलर को वहाँ पहुँचाओ, क्योंकि भाई मेरे पास ट्रक है नहीं, तो मैं वो कंपनी से लेना पड़ गया और कंपनी मुझे इसके कम पैसे दे गया उस ट्रिप के। अगर मेरा खुद का ट्रक होता तो मुझे कंपनी ज़्यादा पैसे देती, पर जो भी ठीक बात है। अभी तो यहाँ से अपन निकलते हैं, अभी पहले आते हैं गेम पे फोकस करते हैं, वो तो मैं धीरे धीरे अपना जो कर्जा लगा हुआ है मेरे ऊपर वो उतार दूंगा। पर तुम्हारे भाई का नुकसान बहुत भयंकर हो चुका है, 2 लाख 10 हज़ार का ट्रक मैंने ₹1.5 लाख बेच दिया भाई, और भाई उसके बाद ₹1 लाख का लोन लिया था उस ट्रक को बनवाने मैंने खरीदने के लिए, तो सोचो ना भाई कितना ही लॉस हो गया होगा, मेरा पूरा ₹60,000 का लॉस हो गया, हालत खराब हो रखी है मेरी पूरी। और मुझे चुकाने भी है बैंक को पैसे 50,000 रुपये और 10,000 का लोन बैंक को चुकाना है, और मेरे पास 58,000 रुपये पड़े हैं अभी, तो मतलब अभी मेरे पास 2,000 रुपये घाटे में अभी भी मैं, तो मतलब क्या ही बोलूँ, लॉस तो मेरे से लंबा हो गया ना मेरा। मतलब मेरे पे जब ट्रक खरीदते टाइम मेरे पास 2 लाख 10 हज़ार का ट्रक खरीदा था जब मैंने, तब मेरे पास भाई 1 लाख 10 हज़ार रुपये खुद के थे कमाए हुए, तो और अब मेरे पास खुद का 1 भी रुपया नहीं, उल्टा 2,000 घाटे में हूँ मैं और जो मुझे देने हैं, तो सोच सकते हो कितना घाटा हो चुका है मुझे। अब मतलब क्या ही बोलूँ भाई, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा बातें याद नहीं करता। अपन धीरे धीरे फिर कमा लेंगे, वो तो गेम की बातें रहती है। अभी तो अपन यहाँ से फटाफट निकलते क्योंकि सिटी बाहर करते हैं पहले, तो यार इधर बहुत ज़्यादा एक तो मज़ा नहीं आता सिटी में चलाने में, क्योंकि ऐसा लगता है सर बता रहा हूँ ना, इतना कंजस्टेड एरिया है ना सिटी कि मतलब हर मोड़ पर सिग्नल, हर मोड़ पर ये, हर मोड़ पर वो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें रहती है। तो यहाँ से पहले सिटी से बाहर निकलते हैं। हाँ तो भाई तुम्हारा भाई यहाँ से बाहर आ चुका है और यहाँ पर भाई 115 की स्पीड पर चल रहा है अपना वॉल्वो का ट्रक, बहुत बड़े 700 हॉर्स पावर का ट्रक है ये, तो इसकी स्पीड आप यही समझ लो कि मतलब बहुत तेज स्पीड पकड़ता है। अंधेरा है ना तो रात में दिक्कत आएगी मुझे, बाकी तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रक तो तुम्हारा भाई प्रो हो चुका है भाई ट्रक चलाने में, क्योंकि बिल्कुल अब मेरे को भाई समझ में आ चुका है इस गेम के कंट्रोल से लेकर सब कुछ आ चुका है चलाना। बाकी वो बात तो है नहीं कि तुम्हारा भाई अब नूबरा, 140 तो अभी मैंने पहुँचा दिया, मजाक में 140 की पहुँचा दिया। मतलब ये भाई इसकी स्पीड आप देख सकते हो कैसे बढ़ रही है, 145-140। अभी तो मेरे को मोड़ में थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि आगे से मुझे गाड़ी घुमा के दूसरे हाईवे पे ले जानी है, और अपने को हाईवे चेंज करना पड़ेगा ज़्यादा। और तो बाकी तो कोई दिक्कत तो है नहीं, थोड़ा स्पीड धीरे धीरे कम करके। अबे मुड़ना था क्या? नहीं नहीं मुड़ना नहीं तो आगे से मुड़ना है। मैं इंडिकेटर दे देता हूँ पिछले, समझ में आ जाएगा पिछले लोगों को। अब यहाँ से अपने को जाना है लेफ्ट, राइट साइड में, लेफ्ट बोल रहा था मैं, राइट साइड में जाना है। और धीरे धीरे एक्सीडेंट तो नहीं होगा मेरे को लगता है, थोड़ी स्पीड थोड़ी फिर भी कम करनी पड़ेगी स्पीड। हाँ शायद से मुड़ जाएगा, वैसे तो कट जाएगा मतलब गाड़ी पूरी कट हो जाएगी, मतलब ठीक है, सही मैंने मोड़ ली। और बाकी तो पीछे कोई है नहीं, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं। 65 की स्पीड सीधा 80-90 की स्पीड पर पहुँचा दी गाड़ी, बहुत तेज चल रही है। ट्रक बहुत बड़ा है अपना यार, इस बार ट्रेलर जो है ना बार मतलब कम से कम एक आधी गुना ज़्यादा बड़ा है, तो मतलब वो बात अलग है कि मतलब मेरे को थोड़ा और ध्यान से कट लेने पड़ेंगे। पर अब वो बात भी ठीक है कि तुम्हारा भाई प्रो हो चुका है जो तुमको मानना पड़ेगा। तो कमेंट्स में लिख दो प्रो HM गेमर प्लीज, स्पैम कर देना यार तुम्हारे भाई के लिए। और बाकी तो पेट्रोल पंप आएगा तो पेट्रोल पंप डलवाना ही पड़ेगा, अभी तो नींद वींद नहीं आ रही मेरे कैरेक्टर को। बाकी देखते यहाँ पर एक टोल आ चुका है, तो टोल पे गाड़ी लगानी पड़ेगी भाई साहब। एक दो अबे भाई ऐसे करना, सलाम ठोगा सीधा,
कि सर की गाड़ी जान दो, सीधा जैसे गाड़ी देखी उन्होंने रास्ते खोल दिया, बोला जान दो सर को। अरे भाई तुम्हारे भाई की अलग ही रुतबा है भाई, कि मतलब बिल्कुल टोल पे जाते सलाम ठोका उन लोगों ने, बाकी तो निकलते हैं भाई, क्योंकि बहुत लंबा सफर है अपने को भाई तय करना है, अभी 12 घंटे का सफर है तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से। हाँ तो भाई तुम्हारा भाई निकल चुका है यहाँ से, अभी तो बहुत आगे पहुंच चुका हूँ मैं, 7 घंटे बचे हैं अभी, 7 घंटे 54 मिनट बचे हैं रास्ते में, बाकी तो रास्ता एकदम मक्खन आ रहा है बिल्कुल, मतलब ऐसा हाईवे देखो भाई तुम बस। ओए इंजन बंद हो गया तेरी, 12 की ढेर इंजन चालू हो तेरी, एसी की तेजी हो गया इंजन ही बंद हो गया था गाइस, वो ठीक है, पता नहीं क्या ट्रक डैमेज है भाई, इतनी क्या है, इंजन बंद हो गया, ट्रक का इंजन खराब हो चुका है गाइस, ट्रक का इंजन खराब हो चुका है। हाँ वे भाई पीछे लोगों को तकलीफ ना आए भाई, मेरा ट्रक डैमेज हो चुका है, क्या बोलूँ वे, अभी तो इंजन ख़राब है भाई, बार बार इंजन बंद पड़ रहा है, अभी पीछे एक्सीडेंट हो गया था मेरा हल्का सा, तो उसमें ट्रक डैमेज हो गया और इंजन बार बार बंद हो रहा है, क्लियर बात बता देता हूँ मैं आपको, और वो जो मैं क्लिप आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है ना, मैं भाई नहीं दिखाऊंगा भाई, तुम बोलोगे भाई नूब टेस्ट लिखना चालू कर दोगे तुम, इससे तो रहने दो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारा ट्रक बस बंद हो रहा है बार बार रास्ते में, एक और टोल आ गया, वाह बस इनको पैसे देता रहा हूँ मैं, ये तीसरा टोल है साला, ये मेरे से पैसे वसूल रहे हैं, ट्रक मेरा नहीं है तो ये मेरे से पैसे ले रहे साले, वो तो ठीक है, अब बस ज़्यादा देर का रास्ता नहीं, थोड़ी देर में अपन पहुँच जाएंगे। हाँ भाई कोई है, अबे भाई टकला, ये टकला पिछले टोल पे भी खड़ा था साला, अभी भी खड़ा है, इस टोल पे भी खड़ा है, पिछले वाले टोल पे भी खड़ा है टकला साला, अभी भी खड़ा हुआ है, देख रहे हो वहाँ खड़ा हुआ है मजे से, बस मजे कर रहा है। तो भाई अपन और आगे निकलते हैं, अरे तो बहुत ज़्यादा लंबा सफर है, हालत खराब हो चुकी है अभी से, ट्रक चला चला था अभी 7 घंटे कहाँ से निकालूंगा मैं कभी नहीं पता है, ज़्यादा दूर का रास्ता बचा नहीं गया, अपन पहुँचने वाले हैं, और बाकी सब कुछ ठीक ही है, और अगर आपको मेरी थोड़ी आवाज़ चेंज लग रही तो माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी मुझे सर्दी है इसलिए थोड़ी आवाज़ ऐसी आ रही होगी, पहले वाली वीडियो से अलग आ रही होगी, और बाकी सुरंग आ चुकी है, अपन कट मारते हुए निकलते हैं भाई, ओवरटेक करना पड़ेगा क्योंकि ये ढीले लोग हैं साले, ढीले एक नंबर के, ऐसे गाड़ी चलाते भाई स्पीड लिमिट 70 की चलाएंगे 40, अब भाई अपन को भाई, अबे इंजन बंद हो जाता है गाड़ी का जब स्पीड बढ़ाओ, इंजन बंद हो जाता है, हट चलो सही हो गया वापस इंजन, 97 की स्पीड चल रही है अभी, ओवरटेक लेंगे करेंगे ओवरटेक करेंगे, सामने से बस ना आ जाए भाई, बस कार ट्रेन कुछ ना आ जाए, ट्रेन कहाँ से आएगी, गाड़ी आ रही है, इसको भी ओवरटेक कर लेंगे और राइट साइड ले लेते हैं, और टोल आ चुका है, टोल अपन राइट से जाएंगे पूरा का पूरा, और यहाँ से अपन निकल जाएंगे बिल्कुल स्पीड में, 76 की स्पीड से मैंने टोल पार करा, 80 की स्पीड लिमिट है इधर, और अभी भी 1 घंटा लगेगा मुझे पहुँचने में, क्योंकि 72 किलोमीटर जाना है, और 11 बज चुके सुबह की, और मुझे 3 बजे यहाँ पर ट्रक डिलीवर करना है, कुछ भी हो जाए 3 बजे से पहले, यहाँ तो 3 बजे, बाकी क्या ही बोलूँ भाई, 3 बजे से पहले करूँ तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर तो भाई रोड पे काम वाम चल रहे हैं, तुम्हारी ऐसी की तेजी काम करोगे यहाँ पर, जल्दी टनल बनाओ भाई, इतना टाइम लगा दिया भाई, पहले भी यहाँ पर आया था, अभी पहले भी ऐसा कैसा ही काम चल रहा था, अभी भी वैसा कैसा ही काम चल रहा है, और अभी मेरे को लग रहा है वाली टनल चालू, अबे चालान कट गया, इंजन बंद हो गया, 110 की स्पीड पे इंजन बंद हो गया, बताओ भाई अभी एक्सीडेंट हो जाता तो इंजन साथ देखा था, इंजन साथ ही नहीं दे रहा है हमारा, वो बात अलग है कि भाई इंजन मैंने ही गाड़ी ठोकी, अबे रॉन्ग साइड से लोग आ रहे हैं, अच्छा ये लोगों का आना जाना है, हाँ तो भाई यहाँ से अब टनल अपनी अब सही हो चुके हैं रोड, अब अपन मतलब सीधे चलेंगे अपना, अब राइट साइड में अपन, पहले रॉन्ग साइड से मेरे को लगा कि जो सामने से लोग आ रहे हैं वो रॉन्ग साइड आ रहे हैं, पर वो लोग बेचारे सही आ रहे थे क्योंकि रास्ता यहाँ पर दे रखा है उन्होंने, क्योंकि दूसरी टनल में काम चल रहा है, और देखते देखते फिर ट्रक बंद हो गया, और मेरे कैरेक्टर को आ रही है भयंकर नींद, 48 मिनट के अंदर मेरे को पहुँचा देना है ट्रक को, कुछ भी हो जाए तो भगाना पड़ेगा फुल स्पीड में, क्योंकि अगर मेरे कैरेक्टर को नींद आ गई तो मैं समझ लो ट्रक का एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, फटाफट ट्राई करते हैं पहुँचाने की, 31 किलोमीटर है, फटाफट ट्राई करते हैं। हाँ तो भाई बस पहुँचने वाले, बारिश चालू हो चुकी है गाइस, बारिश आ रही है, ट्रक को थोड़ा स्लो करते हैं और ये स्टीयरिंग काटते हैं, और बस ये राइट ये लेफ्ट ये फिर राइट, और थोड़ा ट्रक जंगलों में जाता हुआ दिख रहा है, ऊपर से चढ़ाते हुए मुड़ेंगे और ये लगा देते हैं ट्रक। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, आज हमारे पास वॉल्वो का ट्रक था, आज के लिए टाइम मिलता हूँ, तब तक NP आउट। और गाइस